वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल पर। दरअसल आज मैं आपको नागरिकता संशोधन के बाद हुए एक सर्वे से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। भारत में दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों की संख्या के मामले में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नाम नहीं है। नागरिकता सर्वे के बाद कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट जो सामने आए हैं, जिनमें UNHRC जो कि भारतीय नागरिकता का हिसाब किताब कर रही है, की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की संख्या से ज्यादा कोई और भी देश है जहां से सबसे ज्यादा लोगों की आबादी भारत आई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नागरिकता कानून 2019 तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के नियम आसान बनाए गए हैं। ये तीन देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बेशक इन देशों से भारत में काफी शरणार्थी आते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत में शरणार्थियों के मामले में शीर्ष तीन में भी आता हो। तो फिर वो कौन सा देश है जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी भारत आते हैं? मैं ये भी बताऊंगा कि भारत के सबसे ज्यादा शरणार्थी किस देश में रहते हैं, कौन कहलाते हैं शरणार्थी। दरअसल शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, हिंसा या किसी तरह की प्रताड़ना जैसे कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन शरणार्थी का दर्जा मिलने की भी प्रक्रिया होती है। यह दर्जा पाने के लिए दूसरे देशों में पनाह मांगने वाले लोगों को शरणार्थी की परिभाषा में बताए कारणों को सिद्ध करना होता है। इसके लिए पनाह मांगने वाले लोग उस देश की सरकार के पास आश्रय पाने का आवेदन करते हैं। जब तक उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उन्हें शरणार्थी का दर्जा भी नहीं मिलता। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भारतीय शरणार्थी उत्तरी अमेरिका में शरण लेते हैं। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर जरूर है, लेकिन 2018 में सबसे ज्यादा इसी देश में भारतीयों द्वारा आश्रय पाने के लिए किए गए आवेदन खारिज भी हुए थे। इसके बाद दूसरे स्थान पर कनाडा का नाम आता है। बात करें अमेरिका में भारतीय शरणार्थियों की संख्या की, तो अमेरिका में 6,110 भारतीय शरणार्थी हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भारतीय शरणार्थियों की संख्या 1,457 है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश में सबसे ज्यादा किस देश के शरणार्थी आए हुए हैं। ये है टॉप तीन देश जहां से आने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में शरणार्थी का दर्जा पा चुके हैं। नंबर एक चाइना। चाइना के कुल 1,08,008 शरणार्थी भारत में निवास कर रहे हैं। नंबर दो श्रीलंका। श्रीलंका के कुल 60,802 शरणार्थी भारत में। और नंबर तीन म्यांमार। म्यांमार के कुल 18,813 शरणार्थी भारत आए हुए हैं। तो पीपल, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।